क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कार्य पद्धति रही है कि हर कार्यक्रमों को, हर आयोजन को जिले से लेकर मंडल तक ले जाया जाता है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एम्स अस्पताल में आग लगी है, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो दिल्ली के एम्स में आग लगने की खबर और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एम्स अस्पताल में किस तरीके से भीषण आग लगी है आप देखिए। फिलहाल दमकल की टीमें वहां पर मौजूद है, दमकल की 8 गाड़ियों को बुलाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि आग किस वजह से लगी, किस कारण से लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है, मरीजों को वहां से शिफ्ट भी लगातार किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्ट्रीट पर, जहां दिल्ली के एम्स में भीषण आग लगी है, दमकल की 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ये भीषण आग लगी, किस वजह से आग लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि वहां पर आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है, एम्स अस्पताल जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है उसके इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है। 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है दमकल की और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं।